वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे आप सभी स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि हम रूरल डेवलपमेंट का डिस्कशन कर रहा है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। अगला जो डिस्कशन हमको करना है वो रूरल डेवलपमेंट पे है। इससे पहले आपको पता है कि पॉवर्टी चैप्टर को हटा दिया गया है सिलेबस में, तो फिलहाल अभी हम वहां पे चर्चा ना करके इसकी वीडियो, इसका डिस्कशन हम बाद में कभी और कर देंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं सिलेबस को लेके ताकि हम इसको कंप्लीट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रूरल डेवलपमेंट पे आज हमें पूरा क्या डिस्कशन करना है, क्या चर्चा करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रूरल डेवलपमेंट पे वो क्या चीजें हैं जिसके ऊपर हमको बात करनी है, डिस्कशन करना है। शुरुआत करने से पहले मैं हर बार की तरह हर स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और बड़ी मात्रा में सब्सक्राइब करिए। अपने सारे उन दोस्तों से भी शेयर करिए जो ट्वेल्थ लिए हैं और क्लास ट्वेल्थ में इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल लिया है, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी एस्पायरेंट है या फिर अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पार्ट है, तो वो जाके हमारे भी लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि रूरल डेवलपमेंट पे क्या है। सबसे पहली बात यहाँ पे आ जाती है कि रूरल डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है, इसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है। तो रूरल डेवलपमेंट से बताने से पहले मैं बता दूं कि जो हमारा इंडिया है यानी जो भारत है वो ऑब्वियसली दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो रूरल है, एक होता है अर्बन। अर्बन मतलब जो शहर के इलाके हैं, रूरल जो हमारे गांव के इलाके होते हैं, तो उनसे डेवलपमेंट क्या होता है और क्यों उनके डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस होती है, इसी के ऊपर हम आगे चर्चा बात करने वाले हैं। तो रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज। यानी रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू आप लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने चाहते हैं और साथ ही साथ ही उनके अंदर इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, यानी रोजगार का कोई जरिया बना देना या पैसा कमाने का कोई जरिया बना देना, ये सारी चीजों पे बात कर लेते हैं। रूरल डेवलपमेंट रिफर्स टू द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस इन द लाइफ ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन द रूरल एरियाज। यानी रूरल डेवलपमेंट और भी क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इकोनॉमिक तौर पे और सोशल तौर पे उन लोगों की लाइफ में बेहतरी लाना, उन लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट लाना जो कि रूरल इलाकों का हिस्सा है, यानी गांव के इलाकों का हिस्सा है। रूरल डेवलपमेंट ऑल्सो मीन्स द एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरियाज। यानी रूरल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब कि ये पूरा एक एक्शन प्लान होता है जिस प्लान के थ्रू सोशल तौर पे यानी सामाजिक तौर पे जो भेदभाव होता है उन सारी चीजों को भी खत्म करना और साथ ही साथ लोग रोजगार कैसे अपना डेवलप कर सकते हैं, पैसा कैसे और कमा सकते हैं, इसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर प्लानिंग बनाना या फिर इसके ऊपर पूरा एक रोड मैप तैयार करना। बीइंग द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटी इन द रूरल एरिया, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लेज अ पिवोटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द कंट्री। यानी जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि इसके लिए बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बनाया गया है और ये मिस्टर गिरिराज सिंह जो हैं इसके करंट मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर दो डिपार्टमेंट आते हैं, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट होता है, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज आता है। तो ये एक छोटा सा मैंने खाका खींचा कि रूरल डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है और उसको रूरल डेवलपमेंट कहते क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री करंट टाइम में है जो उसके लिए जिम्मेदार है। अब देखिए रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो रूरल डेवलपमेंट की यानी किसी भी चीज की डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे सामने दिमाग आता है में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर डेवलपमेंट करना है तो क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ेगा, यानी क्या क्या चैलेंजेस होंगे जिन चैलेंजेस को हमें देखना पड़ेगा। तो हम लिंगरिंग चैलेंजेस की अगर हम बात करें, लिंगरिंग मतलब क्या होता है, लिंगरिंग का मतलब ये होता है कि लिंगरिंग इन समथिंग विच इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे लिंगरिंग डिजीज कहते हैं, यानी कोई ऐसी चीज जो कि बड़े लंबे समय से चली आ रही है, बड़े लंबे समय से एक समस्या के तौर पे समाज के बीच में है। तो जब हम लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो एक तो हो जाता है हमारा चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट
और दूसरा हमारा जो होता आता है वो चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जिसके ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं। तो चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट का मतलब यह है कि ऑब्वियसली जो रूरल इलाके होते हैं वहां पे मनी सप्लाई या क्रेडिट या फिर लोन की अगर हम बात करें उसकी बड़ी एक समस्या है, और उसकी समस्या होने की वजह से एग्रीकल्चर जो होता है वो आप इस समझ लीजिए कि रूरल इलाकों का लाइफ लाइन है, यानी एक तरीके से जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता रहता है उसी तरीके से एग्रीकल्चर जो है वो एक ब्लड के तौर पे है गांव के इलाकों के लिए आज भी हिंदुस्तान में। ठीक है, तो रूरल और द एग्रीकल्चरल क्रेडिट मीन्स द क्रेडिट फॉर फार्मिंग, क्रेडिट इज द लाइफ लाइन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी इन द रूरल एरियाज, यानी एग्रीकल्चर क्रेडिट की जब हम बात करते हैं। ओके, रूरल और एग्रीकल्चर क्रेडिट की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हम चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट के ऊपर बात कर रहे थे। तो रूरल और एग्रीकल्चरल क्रेडिट मींस क्रेडिट फॉर फार्मिंग, क्रेडिट का मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे पैसे से है, क्रेडिट इज द लाइफ लाइन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी इन द रूरल एरियाज, यानी जो फार्मिंग है उसके लिए मनी सप्लाई पैसे का मिलना बहुत जरूरी है। बहुत सारे काम होते हैं, जैसे अगर हम पैसे की बात करें कि वाई द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द फार्मिंग एक्टिविटी दे आर इन नीड ऑफ मनी, यानी जरूरत क्या है वो लोग जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनको पैसे की क्या जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, मीडियम टर्म क्रेडिट है, लॉन्ग टर्म, यानी तीन पर्पजेज हैं जिन पर्पजेज के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। और आप याद रखिएगा इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, कैसे पूछेगा उस पर अभी हम चर्चा कर ले रहे हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म क्रेडिट की बात करें तो परचेज ऑफ इनपुट लाइक सीड्स, यानी शॉर्ट टर्म क्रेडिट मतलब थोड़ा अमाउंट नॉर्मली 6 महीने या साल भर के लिए, तो क्यों चाहिए, बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड चीजें खरीदना है, और मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह का पेमेंट करना है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप ट्यूबवेल चलाते हो या फिर आपको मोटर रन कराना है अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में तो उसके लिए बिजली की जरूरत है, तो बिजली की जरूरत है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑब्वियसली आपको पे करना होगा। तो ये कुछ छोटे छोटे खर्चे हैं जिनके लिए फार्मिंग एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला याद रखिएगा कि द फर्स्ट वन इज द शॉर्ट टर्म क्रेडिट, यानी ये सबसे पहला क्या हो गया, शॉर्ट टर्म क्रेडिट हो गया। दूसरा आपका मीडियम टर्म क्रेडिट है, वो क्या है, फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस एंड डिगिंग द वेल्स, यानी एक तो मान लीजिए कि मशीन, मान लीजिए जनरेटर खरीदना है, दूसरा आपको पता है कि जो लोग कृषि में इन्वॉल्व हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जंगली, यानी जो छूटे हुए जानवर हैं वो एक बहुत बड़ा समस्या है, और हमको पता है कि वो छूटे हुए जानवर जो रहते हैं वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बर्बाद कर देते हैं। तो अब आजकल जो लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं वो अपनी खेत की फेंसिंग कर रहे हैं, यानी पूरी जाल से उसको कवर कर दे रहे हैं, तो उसमें भी पैसा लगता है। डिगिंग द वेल, मान लीजिए कि आपको कुआं वुआ खुदवाना है, ठीक है, पानी का पर्पज हो सकता है। दूसरी बात, अगर हम फार्मिंग की बात करें तो बहुत सारे लोग आजकल फिशरीज में इन्वॉल्व हैं तो वो तालाब बनाना चाहते हैं, तो वहां पे भी एक ठीक ठाक अमाउंट की जरूरत होती है। तीसरी जो हम बात करें यानी लॉन्ग टर्म क्रेडिट की बात करें तो मान लीजिए कि अगर आपको एडिशनल लैंड खरीदना है फॉर कैरिंग आउट परमानेंट इंप्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग लैंड, आपकी जो एग्जिस्टिंग लैंड है उसी को आपको इम्प्रूव करना है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ साइंटिफिक तरीके अपनाए जाते हैं। अब वो लोग जो उस तरीके को के माहिर हैं वो वहां पे आएंगे तो दे विल ऑब्वियसली चार्ज सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉर परचेजिंग ऑफ मशीनरी या फॉर परचेजिंग ऑफ जनरेटर्स द फार्मर्स आर इन नीड ऑफ विच काइंड ऑफ क्रेडिट, तो याद रखिएगा कि मीडियम टर्म, या फिर यह पूछ सकता है कि फॉर कैरिंग आउट परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑन द एग्जिस्टिंग लैंड द फार्मर्स आर इन नीड ऑफ विच काइंड ऑफ क्रेडिट, तो याद रखिएगा लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट की जब हम बात कर रहे थे तो क्रेडिट मिलने के भी दो तरीके होते हैं, एक तो हमारा वो इंस्टीट्यूशनल तरीका है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल तरीके में आप देख सकते हो ये बैंक वैंक की बात हो रही है, एक तो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है यानी बहुत सारे लोग मिलके एक सोसाइटी बना लेते हैं, और आपको पता है कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट होता है वो क्या है, 1912 से गवर्न होता है, जिसमें बहुत सारे लोग एक सोसाइटी बना लेते हैं, उसको रजिस्टर कर लेते हैं जिस, और कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी उसमें इन्वॉल्व करते रहते हैं, और जैसे जिस बंदे को जरूरत होती है वो वहां से पैसा ले सकता है। कमर्शियल बैंक की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हमारा PNB एक कमर्शियल बैंक है, SBI की बात कर लें, ठीक है, उसके बाद UBI की बात कर लें, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लें, तो ये कमर्शियल बैंक है जो कि रूरल क्रेडिट को प्रोवाइड करने में भी मदद करता है। तीसरा हमारे रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लगाया हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का, ठीक है, तो इस टाइप के ग्रामीण बैंक जो होते हैं वो भी क्रेडिट फ्लो को प्रॉपरली फ्लो कराने में काफी हेल्प कर रहे हैं, काफी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो तरीका आ जाता है वो हमारा क्या आता है,
नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आ जाते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज यानी ये वो सोर्सेज होते हैं जो किसी भी बैंक से गवर्न नहीं होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि वहां पे आरबीआई वगैरह का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और इंडिपेंडेंट तरीके से ये लोग काम करते हैं। चेक एंड बैलेंस इनके ऊपर कोई नहीं होता। जैसे लैंडलॉर्ड की बात कर लें, विलेज ट्रेडर्स की बात करें, महाजन मनी लेंडर्स की बात कर लें, अब ये लोग भी क्या है, किसानों को कुछ ना कुछ पैसा प्रोवाइड करते हैं लोन के फॉर्म में, लेकिन ये जो ब्याज दर इनकी रहती है, ये ब्याज दर हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से बहुत ज्यादा रहती है। यानी अगर हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्स यानी हमारे कमर्शियल बैंक अगर 5% ब्याज ले रहे हैं, तो ये लोग जो हैं, ये लोग 8%, 9%, 10% ब्याज चार्ज करते हैं। एक क्वेश्चन उठ सकता है कि किसान जो है इन्हीं के पास क्यों जाता है, कमर्शियल बैंकों के पास नहीं जाता है? क्योंकि आपको पता है कि कमर्शियल बैंक से अगर लोन लेना है तो उसमें पेपर का इन्वॉल्वमेंट है, बैंक अकाउंट है या नहीं है, आप वापस कर पाएंगे इसके, आपके पास क्या गारंटी, आप सिक्योरिटी दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, और इसी सारी समस्याओं की वजह से आप समझ लीजिए कि रूरल क्रेडिट जो है वो आज भी स्ट्रांग है और काफी मैसिव लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। ओके, सो ट्रेडिशनली मोस्ट क्रेडिट नीड ऑफ फार्मर वर मेट थ्रू दीज सोर्सेज। नाउ कमर्शियल बैंक, आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक आर द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग एंड दीज आर कॉल्ड एज द मल्टी एजेंसी सिस्टम। यानी कहने का मतलब है कि ये जो मल्टी एजेंसी सिस्टम जिसको कहा जा रहा है, यानी ये जो कमर्शियल बैंक और आरआरबीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी और लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये सब मिल के जो काम कर रहे हैं रूरल बैंकिंग को स्ट्रांग करने के लिए, इनको मल्टी एजेंसी सिस्टम में भी रखा जाता है। यानी ट्रेडिशनली ये माना जाता था कि बड़े पैमाने पे ये लैंडलॉर्ड विलेजर्स और मनी लेंडर्स ही हैं जो कि मनी सप्लाई कर रहे हैं और बड़ा ही लार्ज स्केल पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। लेकिन ये कहना भी ठीक होगा कि बड़े पैमाने पे हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन आज भी अभी भी बैंकों की तादाद उतनी नहीं है पिछड़े इलाकों में कि वो किसानों को ठीक ठाक लोन दे पाए कम ब्याज दर पे। ओके, इसका दूसरा पार्ट क्या आ गया, द चैलेंजेस ऑफ रूरल मार्केटिंग। अब देखिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग अगर रूरल इलाकों में बात किया जाए तो अभी भी वो समस्याएं हैं। यानी शहरी इलाकों में तो आपको मंडी मिल जाती है जहां पे किसान अपना प्रोडक्शन करता है, जो भी उसका आउटपुट होता है वो आउटपुट ले जाके वो गांव की उन मंडियों में बेच देता है, और जो भी सरकार एमएसपी देती है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, यानी आपको पता होगा कि बीज लगने के ही टाइम या उससे पहले सरकार अनाउंस कर देती है कि हम किस क्रॉप को कितने पैसे पे खरीदेंगे, तो बहुत सारे किसान क्या करते हैं, जो भी उनका प्रोडक्शन होता है वो ले जाके मंडी में बेचते हैं, और उसी प्राइस पे यानी सरकार ने अगर मान लिया अनाउंस किया कि 25 रुपए किलो पे हम आलू लेंगे तो वो आलू बेच देंगे और 25 रुपया उनको मिल जाएगा। गाँव के इलाकों में प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी प्रोडक्शन होना है वो गाँव के इलाकों में उन मंडी तक लेके पहुंचने में उनका अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह लग सकता है। तो हमारा किसान ये सोचता है यार इतना हम बवाल और इतना सरदर्द लेने से बेहतर ये कि लोकल इलाकों में बेच दिया जाए। अब लोकल वेंडर जो है वो उसको 25 रुपया नहीं देगा, वो 17 देगा, 18 देगा, 19 देगा। तो एट द एंड ऑफ द डे कौन एक्सप्लॉइट हो रहा है, हमारा जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो लोकल किसान है वही एक्सप्लॉइट होता है। तो ये भी एक चैलेंज है, तो देखते हैं। ओके, सो आफ्टर हार्वेस्टिंग द फार्मर नीड्स टू असेंबल देयर प्रोड्यूस ऑन द फार्म, प्रोसेस इट, ग्रेड इट, पैकेज इट एंड स्टोर इट बिफोर इट इज फाइनली ब्रॉट टू द मार्केट फॉर सोइंग। सो गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी जो भी प्रोडक्शन हो चुका है उसको एक जगह इकट्ठा करना, ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग, मान लीजिए गेहूं चावल है तो धान वगैरह निकालना और जो आउटपुट हो रहा है उसको अलग जगह पे करना, जो जिस क्वालिटी का है उसको एक जगह पे करना, बायर की प्रेफरेंस क्या है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं 1 किलो की थैली मांगते हैं, 2 किलो की मांगते हैं, 5 किलो की मांगते हैं, 10 किलो की मांगते हैं, 20 किलो की मांगते हैं, तो वैसे वैसे पैकेट्स बना के अलग अलग रखना, इसको स्टोर करना फ्यूचर सेल में। अच्छा, और ये भी समस्या है कि तब सेल करना जब बहुत अच्छी प्राइस मिले। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ तो बड़ा पैमाने पे अगर आप देखोगे तो जो किसान है वो बहुत ही रिच नहीं होता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो सब कुछ करने के बाद कोल्ड स्टोर या वेयर हाउस में ले जाए और किसी गोदाम पे ले जाके रखे और उस गोदाम का रेंट भी देता रहे। तो ये एक समस्या है जो कि रूरल इलाकों की है, जो कि जो लोग भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से हुए हैं। ओके, अब आगे देख लेते हैं कि चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब यहाँ पे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या है। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डज नॉट सिंपली रिफर्स टू द फार्मर्स एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग देयर प्रोड्यूस टू द मार्केट फॉर सेल, इट इन्वॉल्व ऑल द प्रोसेस एक्टिविटीज व्हिच हेल्प इन गेटिंग द बेस्ट प्राइस फॉर द प्रोड्यूस। अब एग्रीकल्चर चैलेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे समझ लीजिए कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब तो ये नहीं होता है कि जो भी प्रोडक्शन हुआ उसको मार्केट में लेके पहुंच जाना,
इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि सारी वो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उस इन स्टेप्स को ही जब किसान हमारा पार करता है तो उसके बाद ही ये माना जाता है कि उसको कोई अच्छा प्राइस मिल सकता है उसके प्रोडक्शन के। ओके, देखते हैं यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी है जिसके ऊपर बात कर लेते हैं, डिस्ट्रेस सेल। ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है पास में। डिस्ट्रेस सेल क्या है? डिस्ट्रेस सेल रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द फार्मर्स आर कंपेल्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट नो मैटर हाउ लॉन्ग द मार्केट प्राइसेस। अब डिस्ट्रेस सेल की जब हम बात करते हैं तो डिस्ट्रेस सेल एक सिचुएशन होती है जिसमें फार्मर्स के ऊपर एक कंपल्जन होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को बेच दें मार्केट प्राइस जो भी चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कंपल्जन अराइज क्यों होता है? उसके दो कारण होते हैं। एक कारण तो ये होता है कि द फार्मर्स नीड इमीडिएट कैश टू पे देयर डेट। अब चाहे 25 रुपीज प्राइस मिल रहा है, 23 मिल रहा है, 22 मिल रहा है, उनके ऊपर एक बाउंडेशन है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बेचें बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनके ऊपर ऑलरेडी उधार का बोझ है, तो उस उधार के बोझ को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पे ये चीज की जाती है। दूसरा क्या है? दे लैक स्टोरेज फैसिलिटी और द कॉस्ट ऑफ सेलिंग वेरी हाई। ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो भी प्रोडक्टिविटी हुई है अगर उसको फ्यूचर सेल के लिए रखना है, रिजर्व करके रखना है, तब तो वेट करना पड़ेगा। वेट करने में कहीं वेयर हाउस पे या कोल्ड स्टोरेज में रखना है, उसका रेंट वगैरह पे करना है, वो भी देने की हैसियत नहीं है। यानी वो भी आप नहीं दे सकते हो, साइमल्टेनियसली आप लोन ले रखा है उस लोन को भी पे करना है। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए या फिर उससे छुटकारा पाने के लिए अक्सर हमारा किसान अपने प्रोडक्टिविटी को उसी प्राइस पे उठा के बेचता रहता है जो प्राइस मार्केट में चलती है, चाहे वो बहुत हाई हो चाहे वो लो हो। ओके, चीज यहाँ पे है किसान क्रेडिट कार्ड, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं क्या है। तो दिस स्कीम एम्स एट एडिक्वेट एंड टाइमली सपोर्ट टू द फार्मर्स फॉर देयर शॉर्ट टर्म क्रेडिट। यानी ये एक क्रेडिट कार्ड टाइप का है कि इस क्रेडिट कार्ड से शॉर्ट टर्म क्रेडिट की रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी हो सकती है, यानी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सीड, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट, ये सारी चीजों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है। अंडर दिस स्कीम बैंक में इशू किसान कार्ड टू द फार्मर्स हु आर अदरवाइज एलिजिबल फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एलाइड एक्टिविटी एंड अदर नॉन फार्म एक्टिविटी। यानी कहने का मतलब है कि किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट होती है, जैसे क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, एलाइड एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग पोल्ट्री में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, मुर्गे पालन में या फिर डेयरी में हैं, जैसे गाय भैंस उन्होंने रखा, या पिसी कल्चर हनी फार्मिंग की बात करें, तो इस टाइप की जो चीजें करने के लिए भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है इस टाइप के फार्मर्स की काफी मदद कर देता है। अंडर दिस स्कीम द फार्मर्स आर इशूड अ क्रेडिट कार्ड कम पासबुक इनकॉर्पोरेटिंग द नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर्स ऑफ लैंड होल्डिंग, बोरोइंग लिमिट, वैलिडिटी पीरियड, यानी सारी चीजें उस पर मेंशन होती है कि कार्ड होल्डर का नाम क्या है, उसकी लैंड होल्डिंग कहाँ तक की है, उसकी बोरोइंग लिमिट कितनी है, कहाँ तक वो पैसा पा सकता है। यानी एक आसान तरीका है, अगर ये कोई बनवा लेता है तो उसके थ्रू उसको फंड की रिक्वायरमेंट थोड़ा आसानी होती है, क्विकली उसको मिल जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगली बात देखें कि व्हाट आर द मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई जो गवर्नमेंट है उसने भी कोशिश की है कि जो ये मार्केटिंग सिस्टम है, यानी एक प्रॉपर मार्केट बनाना जहाँ पे या फिर अपने सामानों को कितनी आराम से बेच पा रहा है हमारा किसान और उस पर कितनी अच्छी प्राइस मिल पा रही है, तो उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया है। तो सबसे पहले इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनिशिएटिव जो इसमें होता है वो हमारा एक तरीके से आप समझ सकते हो कि रेगुलेटेड मार्केट्स होता है। रेगुलेटेड मार्केट मतलब जैसे मैं मंडी वगैरह की बात की यहाँ पे, ठीक है, तो मंडी वगैरह के थ्रू भी आपको अच्छा प्राइस मिल सकता है, आप अपना सामान ले जाके बेचो वहां पे, यू विल गेट अ गुड अमाउंट। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी मिल्क कोऑपरेटिव इन गुजरात आर अ ब्रिलियंट एग्जांपल। यानी जैसे अमूल की अगर हम बात करें तो वो एक मिल्क कोऑपरेटिव की ही देन थी या उसी की पैदावार थी, तो इस टाइप की भी एक सोसाइटी बनाना जहाँ पे सारे लोग अपने कोई भी प्रोडक्टिविटी को लेके आए और बेचे, और जब सब लोग जो प्रोड्यूसर है वो एक जहां पे इकट्ठा हो जाएगा तो वो बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन में होगा कंज्यूमर के मुकाबले। प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, यानी गवर्नमेंट भी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे, बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाए ताकि वो किसान जो कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियली बेहतर नहीं है वो भी लाके अपनी क्रॉप को वहां पे रख सके और अच्छा रिटर्न पा सके। सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी कुछ बताएं कि एक एक गांव में, एक गांव या दो गांव में
कुछ ट्रैक्टर या फिर टाइप की ट्रॉली वगैरह का इंतजाम कर दे, ताकि जो भी हमारा किसान है वो वहां पे सामान को ला दे और ला के मंडी पहुंचा दे और उसको एक अच्छा प्राइस मिल जाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो रेगुलेशन वगैरह है वो थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करे, उसको थोड़ा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करे, और उसके थ्रू आप एक तरीके समझ सकते हो कि जो अच्छा प्राइस मिल सकता है किसान को वो अच्छा प्राइस मिल सके। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमको लेना है वो ये है कि इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी एक तो हमारा लिंगरिंग था जिसके ऊपर हमने काफी डिटेल में बात किया, ये हमारा दूसरा है कि अगर रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो इमर्जिंग चैलेंजेस आप कह सकते हो या इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज कह सकते हो, जो कि गांव के इलाकों में है, यानी एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर जिसपे बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर के भी बाहर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। जैसे मान लीजिए कि एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें तो आप देखते हो कि बहुत सारे लोग हैं जो कि फिश फार्मिंग, गोट फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, बुफेलो फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग, ये सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के बाहर अब इन सभी एक्टिविटीज में भी अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू कर चुका है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर का मतलब जैसे साइंटिफिक फार्मिंग होती है कि बहुत तरीके की क्रॉप को किसी एक जगह पे लगाना, बहुत तरीके के फ्रूट्स को, मल्टी क्रॉपिंग जो सिस्टम हम कह सकते हैं, तो इसके थ्रू भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जैसे गांव के इलाकों में आपने देखा होगा कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्री हैं जिनको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी डेवलप वहां पे की जाती है ताकि लोगों को रोजगार मिले, यानी पूरी आबादी जो है वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल पे ना डिपेंड हो, उसके बाहर भी कुछ देखे रोजगार के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अगली चीज आ रही है जिसके ऊपर हमको बात करनी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर चर्चा करना है कि इमर्जिंग चैलेंजेस में एक तो हमने ये देखा है जो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर है, दूसरी अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी देखते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? वो फार्मिंग जो कि करंट जो हमारी केमिकल बेस्ड फार्मिंग होती है उससे अलग होती है, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिलाइज अपॉन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट फॉर कल्टिवेशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इन नेचुरल वे। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑल्सो नोन एज इकोलॉजिकल फार्मिंग और बायोलॉजिकल फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चर सिस्टम दैट यूजेस फर्टिलाइजर ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन सच एज कंपोज मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, बोन मील एंड प्लेसेस एम्फेसिस और टेक्निक सच एज क्रॉप रोटेशन एंड कंपेनियन प्लांटिंग। यानी कहने का मतलब ये कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें सारे नेचुरल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हम मान लीजिए कि जानवरों के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट का भी काफी इस्तेमाल होता है, हड्डियों का इस्तेमाल होता है, क्रॉप रोटेशन की पॉलिसी भी अपनाते हैं, कंपेनियन प्लांटिंग, एक साथ बहुत सारे जो प्लांट होते हैं उसको भी हम लगा देते हैं। क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप इन द सेम एरिया अक्रॉस अ सीक्वेंस ऑफ ग्रोइंग सीजन, यानी एक ही जगह पे अकॉर्डिंग टू द सीजन वाइज क्रॉप को बदलते रहना, लगाते रहना। कंपेनियन प्लांटिंग की बात करें तो कंपेनियन प्लांटिंग इन गार्डनिंग एंड एग्रीकल्चर इज द प्लांटिंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप इन प्रॉक्सिमिटी फॉर एनी नंबर ऑफ डिफरेंट रीजन इंक्लूडिंग पेस्ट कंट्रोल, पॉलिनेशन, प्रोवाइड हैबिटेट फॉर बेनिफिशियल इंसेक्ट, मैक्सिमाइजिंग यूज ऑफ स्पेस एंड टू अदरवाइज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ओके, यानी कंपेनियन प्लांटिंग में भी वही चीज होती है, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग की जो बात कर रहे हैं वो मल्टीपल क्रॉपिंग हमारी कंपेनियन प्लांटिंग में भी आती है। उसके बाद यहाँ पे जब रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लास्ट टॉपिक ये कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज चलाई हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी इनिशिएट लिए हैं जिन इनिशिएट के थ्रू हम रूरल एरियाज में डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे फेमस है हमारा मनरेगा। मनरेगा 2005 में आया जिसमें ये प्रॉमिस किया गया कि 100 डेज तक एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। उसके बाद नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन है। तो इस टाइप के सारे छोटे छोटे जो आप कह सकते हो कि इनिशिएटिव है वो इनिशिएटिव लिए गए हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस आपका ये मनरेगा ही है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है 2005, याद रखिएगा, 100% के 100 डेज के एम्प्लॉयमेंट देने की बात करता है रूरल इलाकों में।
तो ये तो था एक पूरा जो हमने डिस्कशन किया एक ही पूरी वीडियो में रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। इसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करने वाले हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड। स्प्ले प्लेस गाइस एंड कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।